नमस्कार, मैं हूँ रेनु भाटिया। आज की खास और बड़ी खबरों के लिए आपका स्वागत है न्यूज हब भारत में। हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए कानपुर बार एसोसिएशन ने दिया ज्ञापन। आज कानपुर बार एसोसिएशन द्वारा जिलाधिकारी कानपुर कार्यालय के बाहर हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए नारेबाजी करके प्रदर्शन किया गया तथा माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कानपुर नगर के माध्यम से भेजा। ज्ञापन में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि हाथरस के डीएम और एसपी व अन्य दोषी पुलिसकर्मियों पर आपराधिक षड्यंत्र एवं साक्षी मिटाने का मुकदमा दर्ज किया जाए। इसी के साथ ही पीड़िता के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा व एक सदस्य को सरकारी नौकरी की भी मांग। इस पर बार एसोसिएशन के महामंत्री कपिल दीप सचान ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज ये हम दोनों लोग बार और डायस के लोग ज्ञापन दे रहे हैं, जो हाथरस में घटना हुई है उसकी निंदा कर रहे हैं। जिस तरीके से पुलिस के और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पूरी घटना को दबाया गया है, मीडिया पर्सन को मिलने नहीं दिया जा रहा है पीड़िता के परिवार पे, हम सब लोग आम अधिवक्ता इस घटना की निंदा करता है, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस प्रशासन की निंदा करता है कि पीड़िता को न्याय मिले, हमारी ये मांग है। उसकी निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई जांच हो, दोषी पुलिस कर्मियों जिला अधिकारी एसपी के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र साक्ष्य मिटाने का मुकदमा हो, क्योंकि उन्होंने बच्ची की लाश को तुरंत जला दिया। शाहरुख के साथ अमन शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज हब भारत कानपुर।